अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। तेलंगाना के हुजूराबाद में ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। हल्के के हुजूराबाद, वेंका कमलापुर, जम्मी कुंडा और एलंदा कुंडा में पोलिंग का अमल जारी है। 106 ग्राम पंचायतों में कुल 306 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कुल 236,283 वोटर्स थे। इनमें 118,720 मर्द वोटर्स और 117,563 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। ज़िमनी इंतखाब में 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमाम असल मुकाबला TRS और BJP के दरमियान है। वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी। बिला तातुल पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए बरखी के साथ सोलर लाइट्स भी लगाए गए हैं। कुल 1,715 अमला इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर है। 107 हुसास पोलिंग स्टेशनों की निशानदही की गई। यहां पुलिस की खसूसी दस्ते कायम किए गए हैं। कुल 3,865 पुलिस अहलकार तैनात हैं। इंतखाबी अहदेदार ने वोटर्स को मास्क पहनने और जिस्मानी फासले का मशवरा दिया है। 2008 के इंतखाबात में हुजूराबाद में 84.5% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। पुराने शहर के इलाके में 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की जानिब से मिसाली इकदाम किए जा रहे हैं। पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक के लिए दिलचस्पी ना दिखाने वाले अफराद को याद दहानी करवाई जा रही है और आवाम को फोन करते हुए PHC आने का मशवरा दिया जा रहा है, बल्कि दूसरी खुराक के लिए जोर दिया जा रहा है। इसके लिए चार मीनार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टीका लेने के लिए आवाम को फोन करके इत्तला दी जा रही है। PHC के इस कोशिश में चंद रजाकार तंजीमों का भरपूर तआवुन हासिल हो रहा है, जो आवाम को अपने तौर पर टीका लेने के लिए जोर दे रहे हैं और इनमें बेदार किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने शहर में मौजूदा सियाहती मुकामात और इनमें काम करने वाले अमले को टीका अंदाजी के लिए कोशिशों का आगाज कर दिया गया है। इसके साथ ही तिजारती इलाकों और मार्केट में 100% टीका अंदाजी का निशाना मुकर्रर कर लिया गया है। पटेल मार्केट, पत्थरगट्टी, घासी बाजार, लाल बाजार, मदीना और दीगर मुकामात पर फोन करते हुए इत्तला दी जा रही है। जामा मनसूबाबंदी के सबब जारी इकदाम से पुराने शहर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चारमीनार, शालीबंडा, दूधबौली, पुराना पुल, दारुशफा, चंदूलाल बारादरी, पुरानी हवेली, पंजाशाह इलाके में आवाम में भीड़ देखी जा रही है, जो एक खुश आइन इकदाम तसव्वुर किया जा रहा है। महकमे बल्दी नज़्म व नक़्श ने आवाम से अपील की है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स या फिर दफातर के लिए अराजी की बुकिंग ना करें जिनको JHMC या HMDA से अप्रूवल हासिल नहीं हुआ है और जिनके पास RERA रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं। महकमे की जानिब से आवाम को मुतनब्बह किया गया है कि वो मुस्तकबिल में मसाइल से बचने के लिए तमाम मंजूरियों का जायजा लेने और मुकम्मल इत्मीनान के बाद ही बुकिंग कराएं। महकमे की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि हुकूमत के इल्म में यह बात आई है कि बास बिल्डर्स सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में अपार्टमेंट्स की फरोख्त के इश्तहार जारी कर रहे हैं, जबकि उनके पास JHMC या HMDA से मंजूरी हासिल RERA नहीं है और ना ही रजिस्ट्रेशन है। बास मामलात में ऐसे इश्तहारात मंजर-ए-आम पर आएं जिसमें अराजी की तहवील के बगैर ही फ्लैट्स या अराजी की फरोख्त का पेशकश किया गया है। किसी भी बिल्डर को फ्लैट्स या जगह की फरोख्त के लिए HMDA या JHMC से इजाजत जरूरी है, यानी RERA जरूरी है। इसके अलावा अथॉरिटी के पास प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अगर यह प्रोजेक्ट रजिस्टर ना हो तो फिर सरमायाकारी के तहफ्फुज़ की कोई जमानत नहीं है। आवाम को चौकस किया गया है कि वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स में फ्लैट्स की खरीदारी के लिए बुकिंग कराएं जिनके पास JHMC और HMDA का RERA इजाजतनामा और रजिस्ट्रेशन मौजूद हो। HMDA और JHMC से मंजूरा बिल्डिंग या लेआउट परमिशन और रजिस्ट्रेशन की तफसीलात मुतल्लिका महकमे जात की वेबसाइट पर दस्तियाब है। आवाम मस्कूरा महकमे जात के दफातर पहुंचकर शख्सी तौर पर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। बल्दिया अवामी मसाइल पर ही नहीं बल्कि सरकारी मामलात की एकसुई के ताल्लुक से भी शायद अपनी रोश नहीं बदलता। 400 साल कदीम तारीखी शहर हैदराबाद जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ग्रेटर हैदराबाद में बदल गया, लेकिन ताज्जुब है कि अभी तक बल्दिया के यहाँ टैक्स का कोई वाज़े रिकॉर्ड्स नहीं है आया। तिजारती इलाकों और रिहायशी इलाकों से हासिल होने वाले टैक्स की क्या मकदार है, इसका पता लगाने में बल्दी हुक्काम मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, जिसके सबब कई तिजारती इदारे अभी भी रिहायशी टैक्स अदा करते हुए बल्दी खजाने को नुकसान पहुँचाने का सबब बने हुए हैं। ये इंकशाफात कमिश्नर के अकदाम की वजह से मंजर-ए-आम पर आए हैं। हालिया दिनों ने रियासती हुकूमत की जानिब से तिजारती इलाकों की जायदादों पर 5% टैक्स आयद किया और तिजारती सरगर्मियों के लिहाज से हुकूमत ने इस सड़कों और इलाकों को कमर्शियल रुतबा दिया, जिसके बाद JHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार ने सड़कों का सर्वे करवाया। इस बात का इंकशाफ हुआ है कि चंद बिल कलेक्टर्स और टैक्स इंस्पेक्टर्स की बदउनवानियों के सबब ऐसे हालात पैदा हुए। सर्वे के मुताबिक शहर में जिन मकानों से टैक्स हासिल हुआ है उनकी तादाद 17 लाख है। 118 कमर्शियल इलाकों सड़कों पर मौजूद मकानात की तादाद 40,000 है। सर्वे के मुताबिक टैक्स अदा ना करने वाले 2,000, कम अदा करने वाले 10,000, इसके अलावा कमर्शियल तिजारती मसरूफियत के बावजूद रिहायशी टैक्स अदा करने वाले 2,000 की तादाद में पाए जाते हैं।
शहर में कितने मकानात हैं और इनसे हासिल होने वाले टैक्स का कोई हिसाब नहीं, बल्कि हर साल ओहदेदार सिर्फ टैक्स का निशाना बढ़ाते हैं। आमतौर पर सर्वे टैक्स इंस्पेक्टर्स और बिल कलेक्टर्स के जरिए करवाया जाता है, लेकिन लोकेश कुमार ने इस इकदाम में एहतियात करते हुए सर्वे इंजीनियरिंग और टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों से करवाया और तमाम तर तफसीलात को टैब में दर्ज करवाया गया। ज़ेर तामीर इमारतों, मौजूदा इमारतों में कमर्शियल और रिहाइश की निशानदही के साथ साथ इजाज़त हासिल करने वाली बगैर इजाज़त और इजाज़त के बावजूद जायद मंजिलें तामीर करने वाली तमाम इमारतों को रिकॉर्ड किया गया। इम्कान के खिलाफ वर्जी करने वाली इमारतों को अनकरीब नोटिस जारी की जाएंगी। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद फारूक हुसैन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की फलाही स्कीमत और वजीर फाइनेंस टी हरीश राव की मेहनत हुजूराबाद में रंग लाएगी। टीआरएस का उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगा। फारूक हुसैन ने बताया कि वो खुद 10 दिन तक हुजूराबाद असेंबली हलके के मुख्तलिफ मुकामात पर क्याम करते हुए पार्टी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चला चुके हैं। हुकूमत की कारकर्दगी, चीफ मिनिस्टर केसीआर की फलाही और तरक्यात के इकदाम के समरात समाज के तमाम तबकात तक पहुँच रहे हैं, जिससे हुजूराबाद के अवाम बिलखसूस मुसलमान पूरी तरह मुतमइन हैं। टीआरएस को कामयाब बनाने का इत्तेफाक राय से फैसला कर चुके हैं। फारूक हुसैन ने अवाम से अपील की है कि वो जी श्रीनिवास यादव को भारी एक्सक्रेट से कामयाब बनाते हुए हुजूराबाद पर टीआरएस के कब्जे की रिवायत को बरकरार रखें। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि धरानी पोर्टल रियासत में लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में अहम तब्दीलियों में मुआविन साबित हुआ है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दूर अंदेश क्यादत के नतीजे में अराजी असलाहत के आगाज में धरानी पोर्टल का गैर मामूली रोल रहा। पोर्टल के आगाज के एक साल की तकमील के मौके पर बीआरके भवन में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने धरानी पोर्टल की खिदमत से मुतालिक तफसीलात पर मबनी किताबचा जारी किया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तेलंगाना रियासत के क्याम के बाद अराजी से मुतालिक मसाइल के हल के लिए चीफ मिनिस्टर ने धरानी पोर्टल के आगाज का इनकलाबी इकदाम उठाया है। चीफ सेक्रेटरी ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान धरानी पोर्टल पर कामयाब अमलावरी के लिए ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल पर एक साल में 5.14 करोड़ हिट्स आए हैं और 10 लाख से ज्यादा मामलों की एक्सुई की गई है। इब्तदाई मरहले में दरपेश चैलेंजेस और दुश्वारियों का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि बाज़ मफादात हासिल की जानिब से धरानी पोर्टल को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों के बावजूद ओहदेदारों ने अवाम के लिए बेहतर खिदमत अंजाम दी हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में जम करने की कोशिशों का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी एनसीसी गेट के रूबरू जगन और केसीआर के अलामती पुतले नजर आतिश किए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर नशीन के मानुता राय ने इल्ज़ाम आयद किया कि केसीआर और जगन दोबारा मुतहद आंध्र प्रदेश के क्याम की तैयारी कर रहे हैं। हालिया दिनों में केसीआर ने आंध्र प्रदेश के कई नाइंसाफियों पर खामोशी अख्तियार कर ली और अब तेलंगाना में टीआरएस के क्याम का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आंध्राई हुक्मरानों की नाइंसाफियों के खिलाफ अलहदा रियासत के क्याम का मुतालबा करते हुए तहरीक शुरू की गई, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। केसीआर तेलंगाना अवाम और तेलंगाना तल्ली से धोखा कर रहे हैं। दोबारा मुतहद आंध्र प्रदेश की तश्कील शहीदान तेलंगाना की तौहीन है, जिन्होंने रोजगार, पानी और वसाइल में नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज किया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी ने दोनों हुकूमतों को वार्निंग दी है कि वो तेलंगाना के खिलाफ साजिश तर्क कर दें, वरना तलबा नई तहरीक का आगाज करेंगे। एहतजाज में जेएसी के कायदीन के प्रताप रेड्डी, डॉक्टर जी श्रीनिवास, डी श्री हरि नायक, चिरण कौशिक यादव, डी नागराज गौड़, बी नायक रेड्डी, श्रीनिवास और मदन कार्तिक एहतजाज में शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में हाउसिंग स्कीमात पर अमलावारी का जायजा लिया। राज्य सोग्राह और दिगर हाउसिंग स्कीमात की पेशरफ्त के बारे में महकमेजात हाउसिंग और रेवेन्यू के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मकानात की तामीर से मुतालिक ज़ेरे इल्तवा मसाइल का हल तलाश करने के लिए तफसीली एक्शन प्लान तैयार करें, ताकि हाउसिंग स्कीमात पर मौसर अमलावारी की जा सके। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग सुनील शर्मा, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बलदीनस मुनस अरविंद कुमार, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन के सीआई जी शिशाद्री के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासत में सड़क, रेल और दूसरे हादसात में 11,822 अफराद हलाक हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने इसका इंकशाफ किया है। हादसाती और खुदकुशी अमवात की एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके पेश नज़र रियासत में साल 2019 के बनिस्बत साल 2020 में हादसात और अमवात की तादाद घटी है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि खुदकुशी के वाकयात में भी कमी आई है। तेलंगाना सड़क हादसा, रेलवे हादसा, आतिशदगी के हादसा के अलावा दूसरे हादसा में 11,822 अफराद की मौत वाकई हुई है। साल 2019-20 की रिपोर्ट में बताया गया है कि रियासत में पेश
जाने वाले 19,505 हादसात में 7,219 अफराद की सड़क हादसात में मौत हुई। खुदरती आफात समावी में 170 अफराद हलाक हुए। रेल हादसात में 337 अफराद की मौत वाकई हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिकॉर्ड से पता चला है कि गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल सड़क हादसात में मरने वालों की तादाद 11% घट गई है। मुख्तलिफ वजूहात से खुदकुशी करके मरने वालों की तादाद 8,058 बताई गई है। इसमें खानदानी मसाइल से खुदकुशी करने वालों की अक्सरियत है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और रायगांव जुबिट और पृथ्वीपुर असेंबली जिम्नी इंतखाबात के लिए आज पोलिंग के पहले 4 घंटों में तकरीबन 20% वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। चारों हलकों में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई। मुतल्लिका हलकों से UNI को मौसूल होने वाली इत्तला के मुताबिक कुल 26 लाख से ज़्यादा वोटरों में से तकरीबन 20% ने वोट कर चुके हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।